हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो अच्छे रहना मेरे भाई और बहनों। मैं UPS, आप देख रहे जीजे राइडर 18। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक न्यू मोटो व्लॉग के साथ। और हर हर महादेव। चलो जी, चलो लीनिंग करते हैं। आपको लीनिंग का दिखाने का शौक हुआ मुझे। चलो, कोई आ ना रहा हो, बस कोई नहीं है। लो जी, लो जी, लो जी, लो 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 लो। आहा भाई, पूरी लीटी भाई। लिटाने का जो मजा है ना, हा 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 हा, वाह क्या लीटती है ये भाई। देखो सही, मतलब ऐसा, मतलब मतलब समझ रहे हो। वाह मजे है भाई, जिंदगी के मजे लेने हैं तो मेरे साथ एक बार आ जाना, ठीक है, मजा आएगा। बाकी तो एक बंदा कमेंट कर रहा है कि भाई आपने शॉट डाल डाल के भाई बाइक के पैसे कमा लिए। मैंने कहा जी हाँ जी, कब के कमा लिए मैंने, ठीक है, तभी तो दूसरी बाइक लाया है, वरना कौन लाता है बताओ। बाकी हाइपर राइडिंग करनी है तो मेरे साथ आना ये वाले रास्तों पे भाई, पूरे खाली होते हैं। और क्या लीनिंग वाले रास्ते हैं भाई, इसका टायर भाई नया डलवा दूँ उसके बाद लीनिंग करूँगा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए। स्लिप हो गई तो हमें जो होगा वो देखा जाएगा, चाहे टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए या छिल जाए, आई डोंट केयर। हेलो सब्सक्राइबर, बट इसको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी जान बसती है भाई, ठीक है। सारी बाइक से ऐसा नहीं है कि भाई KTM छपरी है, ये है वो है, ठीक है भाई, सारी बाइक अच्छी होती है, ठीक है। बाकी ये क्या चीज़ है भाई, ये मैंने पहली बार देखी। यहाँ पर तो मैं शूट करता रहता हूँ, आपको पता ही होगा, बट ये क्या है मेरे भाई? ओ अच्छा, मतलब यहाँ से पानी निकालने का पंप है क्योंकि ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ओके चलो व्हीली मारूँ क्या? चलो ट्राई करते, हो जाए तो ठीक है। भाई खांसी आ गई। अच्छा रोड आने दो भाई, यहाँ पर व्हीली नहीं पॉप हो रही। लो जी आ गया। क्या होता है, इसका टायर ग्रिप नहीं है, ठीक है, तो फिसल जाता है, तो व्हीली पॉप नहीं हो पाती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि भाई आपको लगता है व्हीली मारना आसान है, बट मैं मारता हूँ, मुझे पता है कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं। ओहो भाई, वो बंदा डर गया वहाँ पे खेतों में कि इसने क्या किया ये। बाकी चलो हम चले पहाड़ों में लीनिंग करेंगे यहाँ पे। ओ माय गॉश, लो जी, ओ देखा, डबल बार लीनिंग, इसको बोलते हैं डुअल लीनिंग, ठीक है। ओ माय गॉश भाई, तीतर बीतर सब उड़ जाएगा ऐसी लीनिंग से तो, हर किसी का, ठीक है। आगे मस्त चलते हम, ठीक है, और आपको मिलता है अब आगे, ठीक है। ये बच्ची देखो भाई, मुझे देख रहे, देखो। चलो जाते उसके पीछे, चलो पीछे ट्रैक्टर आ रहा, उससे पहले हम जा रही। बच्ची छोटी सी भाई, कैसे देख रही थी, मतलब दिखाता हूँ, दिख जाए तो। मेरे रंग में तो भाई हुआ ये सीन कि पापा बोल रहे थे, मैंने सुबह सुबह मोबाइल आईफोन मेरा 13 है उसको देकर 15 प्रो मैक्स लेने का सोचा, ठीक है। तो पापा बोल रहे तेरी शादी करवानी है, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये रही देखो बच्ची भाई, हे छोटू भाई यार, मुझे बच्ची बहुत प्यारी है, देखो हो कैसे देख रहे, देखो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। देखो कैसे देख रही है भाई, मैं इसको ही देख रहा हूँ भाई, सामने नहीं देख रहा हूँ। ये देखो हाथ कर रही है, हेलो बेटा। भाई मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं बोल रहा हूँ ना पहले से ही भाई, ठीक है।
तो कहीं पर छोटा बच्चा दिखे तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। हाँ, और ये बच्ची है शायद, बहुत ही लकी है ये भैया और भाभी, इनके घर एक लक्ष्मी का अवतार हुआ है। ओके, बेस्ट ऑफ लक भैया, अच्छे से पढ़ाए उसको, और बस यही प्रार्थना है भगवान से। बाकी हम चलते हैं आगे की ओर। बाकी भाई लोग पापा बोल रहे थे कि फ़ोन मत ले अभी, तेरी शादी करवानी है। मैंने कहा पापा लड़की आपने ढूंढ ली क्या? पापा बोले नहीं नहीं मिल जाएगी। मैंने कहा मिले तब मिले, ठीक है, तब तक तो मुझे मेरे शौक़ पूरे करने दो, मेरे पैसों से कर रहा हूँ। पापा बोले हाँ भाई, तू तेरे पैसों से बाइक लाता है, जो भी लाता है तेरे पैसों से लाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक डेढ़ साल रुक जा, क्योंकि भाई तेरी शादी हो जाए उसके बाद तुझे जो करना है करना, बट उससे पहले कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, बाइक तो ले सकता हूँ? तो पापा बोले हाँ बाइक ले सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तू वो नहीं कर सकता, मतलब मोबाइल नहीं ले सकता, ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो मोबाइल्स है। देखो एक सैमसंग का हो गया S23 FE, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास, ओ चचा कहाँ मुड़ोगे, कहाँ घुस रहे हो, दूसरा हो गया मेरे पास ये वाला, जो कि 13 है, तो मैंने सोचा अपडेट करके 15 प्रो मैक्स ले लेते हैं। मुझे कॉल करना है, यहाँ पे बाइक रोकनी पड़ेगी मुझे। कहाँ गई यार वो शॉप, ये रही। तो गाइस अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। चलो ये न्यूटन हो गया बाइक, और ये मिरर खुल गया, देख लो तुम्हारा भाई। मिरर ऑफ करने पड़ेंगे क्योंकि आगे से निकलेगा, नहीं फिर से रोकनी पड़ेगी, उससे अच्छा है ऑफ ही कर लेते हूँ। ओह दीदी देखते हुए, मेरे नाप की थी, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कैसे, मेरी हाइट 6 फुट है, ठीक है, फीट उसकी भी उतनी थी। बाकी मानसा की गलियों में ये देखो अंगूर भाई, लंगूर के हाथ अंगूर लग गया, वो कहावत है ना भैया। लंगूर के हाथ अंगूर, ठीक है, निकालो भैया मुझे मोड़ना है। ओ भाई साहब, यहाँ पर आना मतलब बहुत ही हार्ड है। बाकी तो लंगूर के हाथ अंगूर, तो मुझे मार्केट में थोड़ा काम था तो उसी लिए गाय यहाँ पे लेके आया, वरना मैं सीधा बाय रोड वहाँ से ही निकल जाता, वो एम्बुलेंस जा रही वहाँ से, बट मुझे काम था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मार्केट का भी व्लॉग बनाया जाए। बाकी आपने कमेंट नहीं किया कि पूरा मार्केट रिएक्शन व्लॉग चाहिए मुझे, हमें, आप जिस दिन कमेंट करोगे उसी दिन आएगा भाई पूरा व्लॉग, ठीक है। बाकी गौ माता, ये लो जी निकल गए, शायद ये वाली आने वाली है जल्द मेरे पास, देखते हैं कौन सी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 18-20 की ये आती है, उतने में स्कॉर्पियो आ जाए भाई, हाँ टॉप वेरिएंट ये ले, इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा वो मॉडल स्कॉर्पियो लेनी अच्छी रहेगी। बाकी जिसकी जैसी सोच, ठीक है। बाकी यहाँ पर माता दी का रस आ रहा है, जय माता दी, जय हो माता दी। बाकी एम्बुलेंस किसी को लेने जा रही है, लेके आ रही है, पता नहीं आगे एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हुआ है, देखते हैं आगे, ठीक है। चलो हम सीधा आगे मिलते हैं आपको,
दिखाता हूँ अगर कुछ होगा तो, ठीक है, वरना निकल जाएगी तो फिर मैं भी निकल जाऊँगा। ये BS6 का मुझे फंडा कुछ समझ नहीं आता भाई, चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो 2000 RPM पर ही रहती है। देखो अभी ऑटोमेटिकली फिर थोड़ी चलेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी मैं गियर मतलब RPM ना भी दूँ रेस, ठीक है, फिर भी ये चलती रहती है, देखो, है ना, है ना। तो इसका कुछ मुझे जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, बट BS6 का कोई जुगाड़ नहीं है भाई। कोई ना, चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे। बाकी जो दूसरी आने वाली है वो भी सारी BX6 ही आएगी, क्योंकि वो तो ब्रांड न्यू लेने वालों, ये भी ब्रांड न्यू ही है, मतलब 2022 का दिसंबर एंडिंग, मतलब 17, ठीक है, दिसंबर 17, मतलब लगा लो 2023 की बाइक है ये, ठीक है, एक साल पुरानी। तो अभी 2024 चालू है, मतलब एक साल हुआ है बाइक को, ज़्यादा नहीं हुआ भाई। बट मुझे 5 day में मिल रही थी और V3 मिल रही थी भाई, तो मैंने इसको बाय करना अच्छा डिसीजन लिया और बाय कर ली, क्योंकि BS6 मिल रही थी, BS4 में इससे ज़्यादा पावर है ऐसा सब लोग बोलते हैं। बट क्या है भाई, BS4 लेने जाएंगे तो 17, 18, 19 ऐसा मॉडल मिलेगा, ठीक है। 2020 से भाई BS6 चालू हुआ था, तो ये BS6 है, 2022 17 दिसंबर की बाइक है ये। मेरे पास RC है, वो दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे नाम पर नहीं हुई है अभी तक बाइक, अभी जल्द हो जाएगी। तो होने के बाद हम देखते हैं कहीं लॉन्ग ट्रिप मार के आएंगे, ठीक है, बड़ी सी इसके मारूंगा या फिर नई है उस पर मारूंगा, या उसके बाद एक और नई ले रहा उस पर मारूंगा, वो सोच रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। बट कोई ना, उज्जैन हम निकल लेंगे यही लेके, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग ट्रिप तो इसके ऊपर बनती है मेरे भाई। भाई परसों क्या हुआ, एक सांप मतलब नाग देवता, ठीक है, बीच में आ गए रोड में, मतलब अचानक आ गए वो, और मैंने पूरी ट्राई की थी, पूरी मतलब जितना हो सके उतना, ठीक है, ब्रेक मारने की, बट फिर भी ऊपर से निकल गई मेरी बाइक। बट भगवान का लाख शुक्र है कि उनको कुछ नहीं हुआ और वो चले भी गए भाई, कंप्लीट थे भाई। मैं जाके देखा मैंने कि कहीं पर लगी है चोट वोट तो देख लेते हैं, बट कुछ नहीं हुआ था। तो वो रिकॉर्डिंग भी था मेरे पास, बट मैंने डालना सही नहीं समझा कि भाई नहीं डालना चाहिए, तो मैंने नहीं डाला। बट वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी पड़ा है, लैपटॉप में सारा डाटा रखता हूँ भाई, ये जो मेमोरी कार्ड्स है, ठीक है, इसमें है दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा डाटा लैपटॉप में कॉपी कर लेता हूँ और फिर एडिटिंग कर रहा हूँ। तो आजकल एडिटिंग भी अच्छी सीख रहा हूँ मैं भाई, इतनी अच्छी नहीं आती मुझे, ठीक है, मैं अच्छा एडिटर नहीं हूँ भाई अभी तक, ठीक है, क्योंकि भाई व्लॉग अपलोड करना है तो भाई बस मैं तो क्या करता हूँ, मेरी तो रॉ फुटेज होती है सारी, ठीक है, तो वो क्लिप बस डाल के सेट कर देता हूँ और कुछ नहीं भाई, एक नंबर वाली, दो नंबर वाली, ऐसे सेट करके फिल्टराइज करके सेव कर देता हूँ, बस उतना ही अभी तो करता हूँ। बाकी और भी अच्छे से एडिटिंग मुझे सीखनी है और आ जाएगी भाई, क्योंकि मैं भी नया हूँ यार, अभी तो कितने हुए देखो ना, लगभग 4 महीने हुए हैं व्लॉग मतलब व्लॉगर बने हुए मुझे। 4 महीनों में भाई मैंने दूसरे महीने के एंडिंग में ही मोनेटाइज कर ली थी चैनल, और 2 महीने से मैं कमा रहा हूँ, 1 महीने की जो आई, ठीक है, इनकम उससे ये ली, और जो अभी दूसरी आने वाली वो अब आएगी। बाकी जो भी है भाई सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं ये बाइक ले पाया हूँ, और आगे भी जो भी बाइक आएगी मेरी आपके प्यार आपके सपोर्ट से ही मैं लूँगा भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने वो कर लिया भाई, आप लोगों ने प्यार दिया सपोर्ट दिया तभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ भाई। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा या वो वीडियो वॉच ही नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पर कैसे पहुँचता बताओ भाई, ठीक है। तो भाई ये आपके प्यार आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर हूँ, और मैं दो हाथ से आपको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया कि भाई क्या ही बताऊँ, मतलब
एंड वाला, ठीक है। और आप दे रहे हो, अभी भी दे रहे हो और आगे भी दोगे, बस यही मेरी एक इच्छा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपना, मतलब जो भी है, ठीक है, एक ख्वाहिश है, मतलब ठीक है, कि आप ऐसे प्यार मुझे लाइफ टाइम देते रहोगे और मैं लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग, अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे व्यू दिखाता रहूँगा मेरी चैनल पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। मेरे बाद पता नहीं मेरी चैनल कौन चलाएगा या बंद कर देंगे, मुझे नहीं पता, बट जब तक मैं हूँ तब तक भाई आपको रोज़ाना एंटरटेन करूँगा। और बस यही मेरा टारगेट है कि आप लोग खुश रहो, आप लोग मेरे व्लॉग देख के भाई हंसो, ठीक है, फनी व्लॉग ऐसा सब, आप कमेंट करो या लाइक करो, ठीक है, और कमेंट कर दो अच्छा सा प्यारा सा कि भाई ऐसे व्लॉग बनाओ, मज़ा आता है हमें देखने में, तो मैं उस तरह के व्लॉग बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्ज़ी चलती है भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही कंटेंट मैं लेकर आऊँगा, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ये हमारा व्लॉग जो है वो शेयर कर देना है, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है भाई, ठीक है, कि भाई हमारा भाई है, देखो ये मेरा भाई है, ऐसा बोल भाई, मैं आप सबका भाई हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सबका भाई हूँ और सबसे प्यार करता हूँ, सब लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो भाई उससे ज़्यादा और क्या चाहिए बताओ। तो भाई बस, और कमेंट प्यारा सा कर देना है कि भाई हाँ भैया ऐसे व्लॉग लेके आओ, भाई ऐसा व्लॉग लेके आ, जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर देना, चाहे तो हार्ट, ठीक है, दिल भेज देना, बट कमेंट कर देना, जितना हो सके कमेंट करना, ठीक है भाई, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि मुझे व्लॉग बनाना है, बट आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा व्लॉग बनाने का, ठीक है। तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है, बाकी चलो हम चलते हैं फटाफट, लो जी लो। ओ ओ ओ ओ ट्रैक्टर भैया, लो जी, मैं अभी अब पक्का खिलाड़ी, पक्का ड्राइवर बन चुका हूँ, पक्का राइडर बन चुका हूँ, ठीक है। बाकी ये कौन है यहाँ पे खड़े हैं इतने सारे लोग हैं? ले तेरी मागा ऐसा का तैसा है, लो जे लेने। ओ ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई, ए प्रदीप भाई, लेनिंग के मामले में प्रदीप भाई को कोई टक्कर दे दे, वाह मैं बोल जाऊंगा, वाह, ठीक है, यहाँ पे मतलब, ठीक है, राइडर में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, क्योंकि भाई मैं, तुम चाहो उतनी स्पीड में मैं लीनिंग करके दिखा सकता हूँ, तुम खाली बोलो कि विली मारो, मैं विली मार के आपको दिखाऊंगा, आप बोलो लीनिंग करके दिखाओ, लीनिंग करके दिखाऊंगा, आप खाली भाई हुकुम करो तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई तुम बोलोगे वो करेगा, ठीक है, बस आपको हुकुम करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी कन्याओं के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है आजकल, दीदियों के ऊपर, बट मुझे दीदियाँ पसंद ही नहीं है, पहले से नहीं है भाई, जो भी है सच बोलूँगा भाई, ठीक है। बाकी लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ओ माय गॉश, देखा आपने, आपको लगता है बट थकान लगती है भाई, हाफ मतलब हाफ चढ़ता है ना वो होता है भाई, क्यों पता है, यहाँ से लूँगा और फिर पूरी लिटाऊँगा, ठीक है। ये लो जी, ओ माय गॉश, ये भाई ये इन्होंने स्पीड, यहाँ पर ब्रेकर नहीं लगाना चाहिए था, वागोसना वालों भैया हो यार, उतना सा तुड़वा दो प्लीज, आप मुझे पता व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मुझे लीनिंग पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई देखो जैसे ही लीनिंग की उसके बाद सीधा ब्रेक मारना होता है, तो ब्रेक लगेगी नहीं, आ जा रेस लगाएगा, आ जा चल, देखो मुझे भी भगानी आती है भाई, ठीक है, बट मैं भगाता नहीं हूँ भाई, क्योंकि प्यार से चलने में क्या दिक्कत है, हैं, बट मुझसे पंगा मत लेना, मैं जब स्टेरिंग पे हाथ नहीं होते तब पंगे ले लो, पर जब ये हाथ ऐसे है मत लेना, क्योंकि भाई ये हाथ ऐसे होंगे ना यहाँ पे भाई स्पीडोमीटर बंद हो जाएगा, ठीक है, और ये झूठा स्पीडोमीटर है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये सच्चा है, झूठा है मेरे भाई, ठीक है,
यहाँ पर दिखाता है मैंने खुद जूठा करवाया है। अब मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, और जूठा करना करने के पीछे का रीज़न क्या है तो मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। वो कौन बैठी है पता नहीं। तो जूठा क्यों करवाया, क्योंकि मेरे फैमिली वाले भाई बोलते ओवर स्पीड करता है ये वो, इसीलिए भाई मैंने जूठा करवा दिया। यहाँ पे 80 दिख रहा है तो 120 जा रही है मेरी बाइक, ऐसा ही सीन हो रखा है, ठीक है। बाकी चलो हम मिलते हैं आपको सीधा, क्रिकेट वाला वीडियो आप देखना इसके पीछे आएगा, क्योंकि शाम को मैं क्रिकेट भी खेलूँगा, ठीक है, तो मज़े करेंगे भाई। बाकी हमारे सारे सब्सक्राइबर है क्रिकेट जो खेलने आते हैं वो, और सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप खाली बैटिंग करो हम फील्डिंग कर लेंगे, 4-5 बॉल लेके आते हैं भाई। यहाँ पे मुझे मुतना है उसलिए रुका हूँ, ठीक है, और काफ़ी कुछ लेकर आते हैं तो भाई मैं खेल लेता हूँ। बाकी चलो हम मिलते हैं आपको क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। बॉल चलेगी इसके ऊपर भाई, वो चढ़ रहा है वहाँ से, पता नहीं मिलेगी आएगी नहीं आएगी। बाकी हम भी यहाँ पे मस्त जा रहे हैं, देखो वो चढ़ रहा है, हे मोटे से लड़के, ये मेरा खास जिगरी दोस्त है, देख लो इसको, ये तो बोला है, हाँ बोला, वो चढ़ गया, बंदर भी शर्मा जाए ऐसे लड़के यार। चलो भाई हमारे स्वामीनारायण का मंदिर है भाई, बाकी चलो आगे मिलते हैं। लग गए महंगे वाले गोगल। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, बाय 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 बाय।